तो दोस्तों, अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ये चैनल जल्द ही सब्सक्राइबर के पहले पड़ाव को पार करने वाला है और फिर हम हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर काउंट शो कर देंगे। इसलिए दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है मेमोरी और ये एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। इसलिए इस मूवी के एंड में ही इस मूवी की सारी मिस्ट्री ओपन होगी। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को जंगल में भागते हुए देखते हैं। इस आदमी के शरीर पर लाल रंग पुता हुआ था और इसके कंधे पर एक ट्रायंगल का निशान भी था। भागते हुए ये आदमी आगे जाकर गिर जाता है और तभी कुछ आदिवासी लोग इस आदमी को पकड़ लेते हैं और वो आदिवासी लोग इस आदमी को पकड़कर उस पर किसी प्रकार का पाउडर लगाने लगते हैं। आगे हमें मूवी में दूसरा सीन बताया जाता है जब ब्रिजेस मेडटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट टेलर ब्रिजेस एक प्रोग्राम में मेमोरी लॉस पर की गई रिसर्च पर एक स्पीच देता है। आगे टेलर अपने दोस्त डीपरा चांग से मिलता है और टेलर डीपरा को बताता है कि वो इस रिसर्च पर पिछले 1.5 साल से काम कर रहा है, पर अब तक वो कामयाब नहीं हुआ। डीपरा कहता है, टेलर तुम अपनी माँ के लिए और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम इतना अफसोस मत करो। आगे टेलर और डीपरा अपनी होटल में जाते हैं और वहाँ पर रिसेप्शन पर बैठा हुआ आदमी टेलर को बताता है कि उसे अर्जेंट में हॉस्पिटल में बुलाया गया है। उस मैसेज को देखकर टेलर और डीपरा हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहाँ के डॉक्टर टेलर को पेशेंट की जानकारी देते हैं। टेलर पेशेंट को देखता है तो पेशेंट का शरीर पूरी तरह से लाल रंग से रंगा हुआ था। उस पेशेंट को देखकर टेलर डॉक्टर से पूछता है, इसे ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर कहता है, इसके साथ ऐसा अमेजन इंडियन आदिवासियों ने किया है। डॉक्टर टेलर को उसका MRI स्कैन दिखाते हैं तो पेशेंट के दिमाग में कई सारे ट्यूमर थे और उसे देखकर टेलर कहता है, ये सारे हिस्से तो मेमोरी के है जहाँ पर ये ट्यूमर हुआ है। टेलर उस आदमी के सामान को भी देखता है जो एक कपड़े की थैली में था। उस थैली में टेलर को एक प्लास्टिक बैग भी मिलता है जिसमें एक पाउडर था। टेलर के हाथ में पहना हुआ ग्लव्स फट जाता है तो पाउडर टेलर की उंगली में लग जाता है। टेलर जल्दी से ग्लव्स निकालकर अपने हाथ धोता है और टेलर डॉक्टर से कहता है, इसे हम कैंसर कह सकते हैं, लेकिन मेमोरी सेल पर चुन चुन कर हमला करना, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। टेलर वापस अपने होटल जाता है और अपने बाथरूम में ब्रश करने लगता है। तभी टेलर देखता है कि उसके बाथरूम में अचानक से बहुत सारा पानी आ गया है और वो उस पानी में डूब गया है। टेलर उस पानी से बाहर निकलता है तो टेलर देखता है वो किसी और जगह पर था। वो किसी नदी में था जहाँ आसपास पहाड़ थे और एक घना जंगल था। वहाँ टेलर को काला कोट पहना हुआ और मास्क लगाया हुआ आदमी दिखाई देता है और वह आदमी टेलर को देखकर वहाँ से भागने लगता है। टेलर भी पानी से निकलकर उसका पीछा करने लगता है। तब टेलर को वहाँ पर एक लाल कलर की कार खड़ी हुई दिखाई देती है। टेलर उस नकाब वाले आदमी का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। तब अचानक वह आदमी टेलर के सामने आ जाता है और बाथटब में टेलर की नींद अचानक खुल जाती है। टेलर ये सपना देख रहा होता है और उसे सपने में ये सारे विजुअल दिखाई दे रहे थे। तभी टेलर के घर में डीपरा आता है और डीपरा टेलर से पूछता है, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? टेलर डीपरा को अपने सपने के बारे में बताता है। तभी टेलर देखता है कि उसकी उंगली में रेशेस हो गए थे, उसकी उंगली लाल पड़ गई थी, जिसे देखकर टेलर घबरा जाता है और टेलर कहता है, ये उस पाउडर की वजह से हुआ है जो कल रात मेरी उंगली में लग गया था। आगे टेलर वापस अस्पताल जाता है उस पेशेंट से मिलने। तब नर्स टेलर को बताती है कि वो पेशेंट कुछ घंटों पहले ही मर चुका है। तभी वहाँ पर टेलर को उस पेशेंट की कपड़े की थैली दिखाई देती है और टेलर चुपके से उस थैली को अपने साथ लेकर चला जाता है। टेलर डीपरा के साथ वापस बोस्टन अपने घर पर जाता है और अपने घर पर जाकर टेलर अपनी माँ से मिलता है जो कि बीमार थी। टेलर की माँ बेड पर थी, वो न ज्यादा बोल पाती थी और ना ही ज्यादा हिलडुल पाती थी। टेलर अपनी माँ के पास आके अपनी माँ को किस करता है और कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। अगले दिन टेलर अपने काम पर जाता है, वो पूरे दिन बहुत बिजी रहता है। ऑफिस से निकलने के बाद टेलर अपनी माँ के दोस्त करोल के घर जाता है। करोल के घर में पहले से ही बहुत सारे लोग थे जो कि टेलर को बर्थडे सरप्राइज देते हैं और करोल टेलर को एक जिंदा मछली का तोहफा देती है। तभी पार्टी में टेलर की माँ अलीशा का दोस्त और करोल का दोस्त मैक्स भी आता है। मैक्स टेलर से पार्टी के बाद बहुत देर तक बातें करता है और वो वहाँ से चला जाता है और टेलर को वहीं बैठे बैठे नींद आ जाती है और टेलर को सपने में फिर से विजुअल दिखाई देने लगते है। टेलर को दिखाई देता है कि वो उसी जगह पर था जहाँ का उसने पहले सपना देखा था और वहाँ पर वही लाल कलर की कार खड़ी हुई थी। टेलर को उस कार में 21 मार्च 1971 का एक न्यूज़पेपर मिलता है और फिर टेलर को वही काले कोट वाला आदमी वहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है। टेलर भी उस आदमी का पीछा करता है तो वो आदमी एक बड़े पाइप से निकलते हुए वहाँ से भाग जाता है। वही जंगल में टेलर को एक स्पॉटलाइट दिखाई देती है जहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी। टेलर मिट्टी को हटाकर देखता है तो वहाँ पर एक बड़ा बॉक्स गड़ा हुआ था। टेलर उस बॉक्स को खोलता है तो उस बॉक्स में से एक बच्ची निकलती है जो कि टेलर को देखकर चिल्लाती है और ये देखकर टेलर की अचानक नींद खुल जाती है।
अगले दिन टेलर डीप्रा से मिलता है और उसे उसके सपने के बारे में बताता है। टेलर बताता है कि उसे कार में 21 मार्च 1971 का एक न्यूज़पेपर भी मिला था और टेलर डीप्रा को उस पाउडर का पैकेट देता है और उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। टेलर घर आके उस पेशेंट की कपड़े की थैली को तलाश करने लगता है तो उस थैली में उसे एक सीडी मिलती है। टेलर कंप्यूटर में उस सीडी को प्ले करता है तो उस सीडी में उसे कुछ जानकारी मिलती है। उस सीडी में आदिवासियों के ऊपर की गई रिसर्च के बारे में लिखा हुआ था और उस रिसर्च को विलियम टेरल ने पूरा किया था, जिसकी वो कपड़े की थैली थी और जो मर चुका था वो आदमी विलियम टेरल ही था। उस रिसर्च में ड्रीमिंग विद द डेथ नाम का एक आर्टिकल लिखा हुआ था और उस रिसर्च में लिखा हुआ था प्राचीन सभ्यता में लाल रंग को बॉडी पर लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब मैं ब्राजील गया तब मैंने देखा कि अमेजोनियन इंडियन इस परंपरा को अभी तक भी निभा रहे थे, जो इसे करने के बाद शरीर पर एक त्रिकोण का चिन्ह बनाते हैं और फिर पवित्र माना गया पाउडर इंसान को खिलाया जाता है। वो मानते हैं कि इस पाउडर को खाने से इंसान अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों को देख सकता है और उसे महसूस भी कर सकता है। इस थैली में टेलर को एक फोटो भी मिलता है जिसमें एक कपल की फोटो थी और उसके पीछे रोमन और एंड्रे टेरल का नाम लिखा हुआ था और जनवरी 1962 की तारीख भी लिखी हुई थी। टेलर इन सब घटनाक्रम के बारे में सोचने लगता है और वो घर से बाहर निकल जाता है तो टेलर को बाहर एक गैलरी के बाहर एक पेंटिंग दिखाई देती है और उस पेंटिंग में भी एक काले कोट वाला आदमी जंगल के बीच में से भाग रहा होता है। टेलर उस पेंटिंग के बारे में ज्यादा जानने के लिए स्टेफनी से मिलने जाता है जिसने वो पेंटिंग बनाई थी। टेलर गैलरी में जाकर स्टेफनी से मिलता है और उसे अपने बारे में बताता है। टेलर उस पेंटिंग के बारे में स्टेफनी से पूछता है कि वो उस पेंटिंग को बनाने के लिए कहां से इंस्पायर हुई। स्टेफनी कहती है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस एक रात मैं घर पे गई और मैंने ये पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। ऐसा कहकर स्टेफनी वहां से चली जाती है। टेलर डीप्रा से मिलता है और डीप्रा टेलर को बताता है उसने जो पाउडर दिया था जांच करने के लिए उसमें बस रेत है। हमने लैब में चूहों पर भी इस पाउडर का प्रयोग किया पर उन पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। तब टेलर डीप्रा को बताता है कि विलियम टेरल ने आदिवासियों पर रिसर्च की थी और विलियम टेरल वही पेशेंट था जो ब्राजील में मारा गया था। उसने अपनी रिसर्च में बताया था कि आदिवासियों का ऐसा मानना था कि इस पाउडर को खाने से इंसान की मेमोरी में उसके पूर्वजों की मेमोरी आ जाती है। आगे टेलर लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ता है तब उसकी नजर एक चैप्टर पर पड़ती है जिसमें पीनियल ग्रंथि के बारे में लिखा था जो असल में पूर्वजों की यादों का भंडार होती है और ये ग्रंथि सर के बीचों बीच होती है और ये ग्रंथि एक पावरफुल डीएमटी प्रोड्यूस करती है जिसके कारण इंसान को हेलुसिनेशन होने लगता है। आगे टेलर अपने घर में था तभी उसे उसकी माँ के सामान में एक पुरानी एल्बम मिलती है और उस एल्बम में उसे उसकी माँ का एक फोटो मिलता है और वो फोटो उसी लोकेशन में खींचा गया था जिसे टेलर रोज अपने सपनों में देखा करता था। उस फोटो के पीछे उस जगह का नाम भी लिखा हुआ था। टेलर अपनी कार में नेविगेशन ओपन करके उस जगह पर जाता है तो टेलर को वहां पर वही बड़ा पाइप दिखाई देता है जो कि उसने सपने में देखा था, पर उस पाइप के आगे अब पानी भर चुका था। अब अंधेरा हो चुका था और टेलर पानी के अंदर उतरता है ताकि उसे अंदर कुछ मिल जाए। पानी के अंदर टेलर को वही बॉक्स मिलता है और टेलर उस बॉक्स को खोलता है तो उस बॉक्स के अंदर से एक डॉल निकलती है। ये देखकर टेलर पानी से बाहर निकल जाता है और उससे टॉर्च पानी में ही छूट जाता है। टेलर वहां से जाने लगता है तब वो देखता है कि उसकी गाड़ी की चाबी वहीं कहीं गिर गई है। टेलर अंधेरे में फोटो लेकर फ्लैशलाइट के जरिए उन चाबियों को ढूंढता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन टेलर डीप्रा को भी उस बारे में बताता है कि उसने वो जगह देखी जो उसने सपने में देखी थी। डीप्रा कहता है हो सकता है जब तुम छोटे हो तब तुम अपनी मॉम के साथ वहां पर गए हो और वो जगह तुम्हें वापस सपने में आती हो। मूवी के अगले सीन में टेलर, स्टेफनी और कैरोल तीनों मैक्स के घर पर जाते हैं डिनर के लिए। तब स्टेफनी करोल से पूछती है आप एक दूसरे को कैसे जानते हो। करोल कहती है मैं टेलर की माँ अलीशा से हॉस्पिटल में मिली थी जब अलीशा हॉस्पिटल में मैक्स की स्टूडेंट हुआ करती थी। ये दोनों ही डॉक्टर थे। मुझे चोट आई थी तब अलीशा ने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। तब से हम तीनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। मैक्स और स्टेफनी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मैक्स बातों ही बातों में उन सभी को अपनी वाइफ जेनी के बारे में बताने लगता है। डिनर के बाद टेलर और स्टेफनी बातें करते हुए वहां से निकल जाते हैं। घर जाकर टेलर वापस वो सपना देखता है कि वो उस काले कोट पहने हुए आदमी का पीछा करता है और उसे उस बॉक्स के अंदर वही बच्ची मिलती है और उस बच्ची की टी शर्ट की कॉलर पर एलिसन फ्रॉस्ट लिखा हुआ था। टेलर की फिर से नींद खुलती है और वो एलिसन फ्रॉस्ट नाम को इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे इंटरनेट पर 1 जनवरी 1971 की एक पेपर की न्यूज मिलती है जिसमें लिखा हुआ था 5 साल की एलिसन फ्रॉस्ट एक कार एक्सीडेंट में उसके पिता के साथ मारी गई। एक्सीडेंट में जलती हुई कार एक पेड़ से टकरा गई और उस आर्टिकल में एलिसन का एक फोटो भी था और उस फोटो में उस बच्ची के दोनों दांत नहीं थे और वो फोटो एक्सीडेंट के एक हफ्ते पहले ही ली गई थी। अगले दिन सुबह टेलर याद करने की कोशिश करता है तब उसे याद आता है कि उसने जिस बच्ची को सपने में देखा उसके दोनों दांत थे। टेलर डीप्रा को पेपर की कटिंग दिखाता है और उससे कहता है
इस पेपर की कटिंग के अनुसार एलिसन 21 जनवरी को ही मारी गई थी। तब उसके सामने के दोनों दांत नहीं थे, पर जब मैंने सपना देखा तो वो समय 21 मार्च 1971 का था, जैसा कि उस न्यूज़पेपर में डेट लिखी हुई थी। यानी उसके मरने के 2.5 महीने बाद मैंने उसे देखा था और तब तक उसके दोनों दांत भी आ चुके थे। उस रात टेलर स्टेफनी के घर में जाकर स्टेफनी के साथ समय बिताता है और रात में वहीं रुक जाता है। तो रात में टेलर को वापस से एक और सपना आता है। तब टेलर देखता है वो काले जैकेट वाला आदमी किसी जगह पर एक बाथरूम में है। वो बाथरूम से बाहर जाता है तो वो देखता है वहां पर एक बच्ची और उसके पिता थे। उस बच्ची के पिता अकेले होते हैं, तब वो काले जैकेट वाला आदमी उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। और फिर वो काले जैकेट वाला आदमी उस बच्ची को भी अपने साथ ले जाने लगता है और उस बच्ची के चिल्लाने पर उसे एक लाल गुलाब देता है। उसी समय वहां पर स्पार्किंग होती है और वहां पर आग लग जाती है और तभी स्टेफनी टेलर को उठाने लगती है। टेलर स्टेफनी को अपने सपनों के बारे में बताते हुए बोलता है, हर बार मुझे सपने में एलिसन नाम की बच्ची दिखाई देती थी, पर आज कोई और बच्ची थी। ये सारे घटनाक्रम 30 साल पहले हुए थे जो अब मुझे सपने में दिखाई देते हैं। वो बच्चियों का किडनैप पर तुम्हारी पेंटिंग जैसा आदमी दिखाई देता है। अगले दिन टेलर पेपर में सारी बातें लिखता है जो कुछ भी उसे सपने में दिखाई दिया था। तभी उसे स्टेफनी का फोन आता है और स्टेफनी टेलर को बताती है, जो कुछ भी तुमने मुझे बताया था उसके बारे में मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, मैंने तुम्हें ईमेल किया है, ईमेल देखो। टेलर ईमेल देखता है तो उस ईमेल में भी एक न्यूज आर्टिकल था। उस न्यूज में लिखा था 13 अप्रैल 1971 को कम्युनिटी कॉलेज में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक लीजा नाम की बच्ची की, उसके पिता की और एक और बच्ची की डेड बॉडी मिली जिसकी कोई पहचान नहीं हो पाई। टेलर स्टेफनी के साथ कम्युनिटी कॉलेज में लॉकर रूम का कमरा जाकर देखता है जहाँ पर वो आग लगी थी। लॉकर रूम देखकर टेलर को याद आता है कि यहाँ पर उस दिन एक और बच्चे की बॉडी एक बैग में पड़ी हुई थी और यहाँ पर कुछ गैस कैन भी रखे हुए थे जिसके कारण यह आग ज्यादा लगी। स्टेफनी और टेलर वहां से निकल जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाकर टेलर स्टेफनी को बताता है, मुझे पता चल गया वो दूसरी बच्ची की बॉडी किसकी थी। किडनैपर हर बार एक बच्ची को किडनैप करके उसे मारकर उस मरी हुई बच्ची को एक जिंदा बच्ची के बदले बदल देता है और फिर जिंदा बच्ची को किडनैप कर उसे ही मार देता है। और आग लगने के कारण, बॉडी जलने के कारण ये कभी पता नहीं चल पाता कि जो बच्ची मरी है वो कौन है, क्योंकि शरीर इतना जलने के बाद डीएनए टेस्टिंग के लायक भी नहीं रहता। इसलिए जब एलिसन नाम की बच्ची की कार का एक्सीडेंट हुआ तब वहां पर कोई नहीं था और उसकी जगह किसी मरी हुई बच्ची को कार में बैठा दिया और किडनैपर ने जिंदा एलिसन को उठा लिया, पर कॉलेज के लॉकर रूम में आग लगने के कारण उसे बॉडी बदलने का टाइम ही नहीं मिला। ये सब सुनकर स्टेफनी कहती है, ये सारी 30 साल पहले की घटनाएं हैं और अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। टेलर घर जाकर सो जाता है, तभी उसे रात में कुछ याद आता है। टेलर अपने कैमरे से निकालकर वो फोटो देखता है जो उसने लेक के पास खींचे थे। जब वो कैमरे की फ्लैश में अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा था तभी टेलर को एक फोटो दिखाई देता है जो उसने अनजाने में खींचा था और उस फोटो में वही काले कोट वाला आदमी उसे नजर आता है। टेलर समझ जाता है कि वो आदमी अभी भी जिंदा है और वो 30 सालों से बच्चे को किडनैप करके उन्हें मार रहा है। टेलर इंटरनेट से 1998 से लेकर 2005 तक की उन बच्चों की डिटेल निकालता है जो कि फायर एक्सीडेंट में मारी गई। तो उसमें उसे 3 बच्चों की जानकारी मिलती है जो कि जलकर मरी थी। कार्मेन फ्लेहटी जो कि 21 अक्टूबर 2001 को स्कूल में जलकर मरी थी। ओलिविया वाल्डे जो कि 9 सितंबर 2004 को अपने घर में जलकर मरी थी। और लास्ट में थी बोनी मैकेल जो कि 20 जून 2005 को जंगल में लगी आग में जलकर मर गई थी। टेलर डीपरा के पास जाकर इन तीनों बच्चों की मौत से संबंधित फाइलों को लाने के लिए कहता है। डीपरा उन तीनों बच्चों के रिकॉर्ड्स को टेलर को भेजता है और रिकॉर्ड्स देखकर टेलर स्टेफनी को बताता है, बोनी मैकेल जो कि 4 महीने पहले आग लगने के कारण मारी गई और उसकी बॉडी को कोई पहचान भी नहीं सका, जरूर वो किडनैपर उसे पकड़ कर ले गया और वो अभी भी जिंदा होगी। तभी टेलर को डीपरा का फोन आता है और डीपरा टेलर को अपने पास बुलाकर कहता है, तुम्हारे दिए वो पाउडर की हमने इन चूहों पर रिसर्च की, हमने उस पाउडर को एक चूहे के बच्चे को दिया, फिर देखो क्या हुआ। डीपरा एक चूहे के बच्चे को पजल टेबल पर छोड़ता है और वो चूहा आसानी से सही रास्ते से पजल के बीच में रखे खाने तक पहुंच जाता है। टेलर कहता है, इसने ऐसा कितनी बार किया? डीपरा कहता है, इसने ऐसा पहली बार किया, पर इसकी माँ पहले ऐसा कर चुकी है, पर उसे भी खाने तक पहुंचने में 3 महीने लग गए थे। इससे हमें पता चलता है कि उस पाउडर से इस बेबी चूहे में इसकी माँ की यादें आ गई है, यानी मेमोरी जेनेटिक रूप से भी माँ से बच्चे में आ गई है, पिता की मेमोरी भी बच्चे में आ सकती है। आगे टेलर स्टेफनी के साथ अपनी माँ के पुराने फोटो देखने लगता है, तब उसे उसकी माँ की तस्वीर में एक कार भी दिखाई देती है और ये वही कार थी जिसे टेलर ने सपने में देखा था। वो फोटो फटा हुआ था और उस कार के पास एक आदमी भी खड़ा हुआ था जिसने लाल जूते पहन रखे थे। टेलर को लगता है हो सकता है वो उसके पिता हो और टेलर स्टेफनी से कहता है, मैंने अपने पिता को पहले कभी नहीं देखा। अगले दिन सुबह टेलर कहता है, ऐसे कितने क्लब है जो बच्चों को माउंटेन ट्रिप पर ले जाते हैं। न्यूज के अनुसार बोनी जंगल की आग में जलकर मरी थी। वो किडनैपर जरूर बोनी को जानता होगा और उसने उसे जंगल की तरफ बुलाया होगा। ये सोचकर टेलर और स्टेफनी बोनी के घर पर जाते हैं तो वहां पर बोनी के पिता और उसका छोटा भाई भी होते हैं
और वो दोनों बाहर कहीं जा रहे थे। मौका पाकर टेलर बोनी के घर में घुस जाता है और उसके घर में बोनी की चीजों की तलाशी लेने लगता है। टेलर बोनी के रूम में रखे कंप्यूटर को चालू करता है तो वो देखता है बोनी नाम की बच्ची आग में जलने से पहले कई लोगों से ऑनलाइन चैट कर रही थी। उसमें बोनी किसी लिवजैक यूजर से भी बात कर रही थी और उसमें टेलर के लिए एक मैसेज लिखा था, टेलर उसे अकेला छोड़ दो। तभी घर के बाहर बोनी के पिता अपने घर की तरफ आ रहे थे और ये बात स्टेफनी मैसेज करके टेलर को बताती है। टेलर भी लिवजैक नाम के उस यूजर को वापस मैसेज करता है, मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है। और ये मैसेज करके टेलर बोनी के घर के पीछे के दरवाजे से भागने लगता है। तभी टेलर भागते हुए गिर जाता है और वो वापस अपने सपने में चला जाता है। उस सपने में टेलर देखता है उस किडनैपर ने जंगल के बीच में एक घर में एलिसन फ्रोस्ट नाम की बच्ची को बंधक बना रखा था। टेलर सपने से बाहर आता है तो वो एक हॉस्पिटल के बेड पर होता है और डीपरा ट्रेवर को उसका MRI स्कैन दिखाता है। टेलर के मेमोरी सेल में भी छोटे छोटे ट्यूमर होने लगे थे और ये देखकर टेलर कहता है, ओके तो मेरा हाल भी विलियम टेरल जैसा होने वाला है। तब डीपरा कहता है, तुम्हारा ट्यूमर बहुत छोटा है और हम इससे निपट लेंगे, बस तुम अपना ख्याल रखो। टेलर स्टेफनी के साथ हॉस्पिटल से वापस अपने घर पर जाता है। तभी टेलर देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर टेलर को लगता है कि उसके घर में कोई चोर घुसा है। टेलर और स्टेफनी चुपके से घर में जाते हैं तो घर में करोल थी और करोल कहती है, मैं तुम्हारी माँ को देखने आई थी। और ये कहकर करोल घर से जाने लगती है। तब टेलर करोल से उसके पिता के बारे में पूछता है कि उसके पिता कौन थे। करोल कहती है, मुझे तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ के बारे में कभी कुछ नहीं बताया और वो मुझसे कहती भी क्या। टेलर करोल को उसकी माँ का वो फोटो दिखाकर कहता है, इस फोटो में लाल कलर की कार किसकी है और ये लाल जूते किसने पहन रखे है, क्या ये आदमी मेरे पिता है। करोल कहती है, मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती, पर ये फोटो तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता के अलग होने के बाद ली गई है, तुम इन सब बातों को भूल जाओ और रेस्ट करो। आगे स्टेफनी लीस पार्क नाम के यूजर के बारे में सर्च करती है पर उसे उसके बारे में इंटरनेट पर कोई जानकारी नहीं मिलती। ये वही यूजर था जिससे बोनी आखिरी टाइम पर बात कर रही थी। स्टेफनी लीस पार्क वर्ड को उल्टा करके सर्च करती है तो ये वर्ड कफ GL बन जाता है। इंटरनेट पर कैप्सूल के बारे में जानकारी लिखी हुई थी। कैप्सूल एक फरिश्ता था बच्चों की मौत का, उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया था और कैप्सूल को मानने वाले छोटी बच्चियों को मारते हैं। ये सब पढ़कर टेलर स्टेफनी को वहां से जाने के लिए कहता है और स्टेफनी के जाने के बाद टेलर को फिर से सपना आता है कि वो मास्क वाला किडनैपर एलिसन फ्रोस्ट के पास सिरिंज लेकर जा रहा होता है। तभी कोई टेलर के घर का दरवाजा खटखटाता है और टेलर दरवाजा खोलता है तो टेलर के घर के बाहर मैक्स आया हुआ था और वो उसे कहीं चलकर ड्रिंक करने के लिए कहता है, पर टेलर कहता है मैं थोड़ा बीमार हूँ। तभी टेलर की नजर मैक्स के जूतों पर पड़ती है और मैक्स ने वैसे ही लाल कलर के जूते पहन रखे थे जिसे देखकर टेलर को मैक्स पर शक होता है। ये वैसे ही जूते थे जैसे उस फटी फोटो के अंदर एक आदमी ने पहन रखे थे। टेलर मैक्स से पूछता है, आप ये जूते कहाँ से लेकर आए। मैक्स कहता है, ये तो मेरे पास बहुत सालों से है और मैं बहुत सालों से इसे पहन रहा हूँ। ऐसा बोलकर मैक्स वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद टेलर चुपके से मैक्स के घर पर जाता है और वहां पर बोनी नाम की बच्ची को ढूंढने लगता है। तभी टेलर को ऊपर से कुछ आवाज सुनाई आती है और टेलर को वापस से विजुअल दिखाई देने लगते हैं। पर एलिसन अपने हाथ से कड़ा निकालकर उस किडनैपर को चोट पहुंचाकर वहां से भागती है। वो किडनैपर भी एलिसन का पीछा करने लगता है और एलिसन भागते हुए नदी में जाकर गिर जाती है। टेलर अपने सपने से बाहर आता है तो वो देखता है उसने एक हाथ में ग्लव्स पहन रखा था और मैक्स भी फर्श पर मरा हुआ था, उसे किसी ने इंजेक्शन लगाया था। ये देखकर टेलर को लगता है कि उसने ही मैक्स को मार दिया। टेलर करोल के घर पर जाता है तो वहां पर करोल नहीं थी और करोल के घर में टेलर को एक एंजल की पेंटिंग दिखाई देती है और वहां पर एक लाइट भी लगी हुई थी जिसमें गुलाब दिखाई दे रहा था। तभी टेलर देखता है कि अलमारी के अंदर से बाहर की तरफ रोशनी आ रही थी। टेलर अलमारी को खोलता है तो उसके पीछे एक खुफिया दरवाजा था और ये दरवाजा बेसमेंट की तरफ जा रहा था। बेसमेंट में टेलर को किडनैप हुई लड़कियों के बारे में पेपर्स मिलते हैं और वहीं पर करोल का लैपटॉप भी रखा था और उसमें उसी यूजर नेम से करोल बच्चों से चैट किया करती थी। टेलर वहीं बने एक कमरे में जाता है तो वहां पर भी करोल से जुड़े हुए कुछ पेपर्स मिलते हैं और उन पेपर्स को देखकर टेलर को पता चलता है कि करोल को किसी ने किडनैप किया था और उसके बाद उस आदमी ने उसका बलात्कार भी किया था। तब करोल की देखभाल टेलर की माँ अलीशा ने की थी और जो फोटो फटा हुआ था उसी की दूसरी कॉपी टेलर को यहाँ भी मिलती है। उस फोटो में वो लाल जूते वाला आदमी मैक्स था और वो लाल कार करोल की थी। वहीं पर टेलर को एक अडॉप्शन सर्टिफिकेट भी मिलता है और उसमें लिखा था टेलर की माँ अलीशा ने टेलर को गोद लिया था और करोल ही उसकी असली माँ है, यानी करोल को किडनैप करके रेप किया गया था तब टेलर पैदा हुआ था। टेलर बोनी को ढूंढता हुआ आगे जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी डॉल लटकी हुई थी। जितनी लड़कियों को करोल ने किडनैप करके मारा था उनके नाम की ये डॉल लटका रखी थी और वहाँ पर टेलर को स्टेफनी भी मिलती है, उसे बांध रखा था। टेलर स्टेफनी के हाथ खोलने लगता है तभी पीछे से आकर करोल उसे इंजेक्शन लगाने लगती है और टेलर और करोल दोनों में हाथापाई होती है और डॉल्स के बीच में जाकर करोल छुप जाती है। करोल ने टेलर को वो इंजेक्शन लगा दिया था पर वो उसकी दवाई को उसके अंदर नहीं पहुंचा सकी। टेलर करोल से पूछता है, तुमने मैक्स को क्यों मारा।
करोल कहती है क्योंकि उसे पता था कि तुम किसके बेटे हो, इसलिए मैंने उसे मार दिया और अब तुम्हें भी मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। करोल टेलर को मारने की कोशिश करती है, तभी टेलर उसके हाथ का इंजेक्शन करोल को लगाकर उसे मार देता है। तभी वहां पर आग लग जाती है तो टेलर स्टेफनी को अपने साथ वहां से ले जाने लगता है और टेलर वहां पर बोनी को ढूंढता है तो उसे एक बॉक्स में बोनी मिलती है। टेलर बोनी और स्टेफनी दोनों को अपने साथ लेकर चला जाता है। बोनी अपने घर पर जाती है तब उसके पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। आगे हमें मूवी में 6 महीने बाद का समय बताया जाता है जब टेलर के ब्रेन की MRI स्कैन रिपोर्ट नॉर्मल आती है। आगे टेलर और स्टेफनी दोनों घर में होते हैं। तभी टेलर को स्टेफनी के सामान से एक कड़ा मिलता है और टेलर स्टेफनी से पूछता है, ये ब्रेसलेट किसका है? स्टेफनी कहती है, मुझे नहीं पता, जब मुझे पानी से निकाला गया था तब ये मेरे हाथ में था। टेलर पूछता है, क्या स्टेफनी तुम्हारा असली नाम है? स्टेफनी कहती है, नहीं, जिन्होंने मुझे गोद लिया था उन्होंने मेरा यह नाम रखा था। यह सुनकर टेलर हंसता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, लास्ट में टेलर इसलिए स्माइल करता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि स्टेफनी वही बच्ची है जो बचपन में उस किडनैपर से बचने के लिए पानी में कूदी थी। स्टेफनी एलिसन नाम की बच्ची थी और करोल ही टेलर की असली माँ होती है, इसलिए उसके हाथ में वो पाउडर लगने के बाद उसकी माँ के द्वारा किए गए कार्य उसे याद आने लगते है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो देख पाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।